everyone. In this video, I am going to tell you about how to operate this washing machine. I have Samsung washing machine. अब मैं आपको इसको प्रोसेस बता रही हूँ. जैसे फर्स्ट आप इलेक्ट्रिक स्विच ऑन कर दिए, उसके बाद आप इसको ऑन कर दीजिएगा. देखिए, अब मेरा ये आपका जो नॉब है, ये बताता है कि आप कौन से कपड़े धोने वाले हैं. जैसे यहाँ पर कॉटन है, सिंथेटिक है, वुल, डेनिम, क्विक वॉश, डेली वॉश, ऐसे सारे लिखे हुए हैं. बेबी केयर भी है. तो आपको जो कपड़े धोने हैं, जस्ट इमेजिन आप कॉटन धोने जा रही हैं, तो आपने कॉटन सेट कर दिया, तो ये आपको यहाँ कुछ भी नहीं करना है, वो अपने आप पूरा सेट हो जाता है. अब रहा अगर आपको डेली वॉश करना है, डेली वॉश कर दिए तो वो इधर में आपका सेट हो जाएगा. हाँ, ये आपको टाइम दिखा देता है. और यहाँ रहा आपका ये टेम्परेचर है, वाटर टेम्परेचर. वाटर टेम्परेचर जैसे 20, 40, 60, 90. अब आपके अगर आप देख रहे हैं कि कपड़े थोड़े गंदे हैं या गर्म पानी से धोना है, तो ये टेम्परेचर आप इस पे सेट करिए. देखिए 60 आ गया. मुझे अभी जो धोने हैं मेरे नॉर्मल वाटर से ही हो जाएंगे, तो मैं इसको आप टेम्परेचर नीचे की तरफ ले जाऊंगी, 20. यहाँ दिखा रहा है आपका स्पिन. जब आप कपड़े दे देते हैं और जब धोता है तो ये पूरे स्पिन होता है. तो स्पिन जैसे मुझे ये 1000 ऐसे नॉर्मल वो आया था, जो बताने वाला मैकेनिक बोला था कि ये सेट है, आपको कुछ चेंज नहीं करना. लेकिन मैं देखती हूँ 1000 मुझे नहीं चाहिए, मैं 800 पे कर दू तो मुझे ठीक लगता है, तो मैं ये 800 कर दी. अब आपको इधर में कुछ भी करना नहीं है. इधर में अब आप ये सर्फ वगैरह देने का है. फर्स्ट आपने इसे ऑन किया, ये सेट कर दिया. जैसे मुझे डेली वॉश धोने हैं, ये सेट कर दी. अब मैं इसमें सर्फ दूंगी. मैं सर्फ एक्सेल यूज करती हूँ, और इस ये है आपका सर्फ देने का. इसमें आप सर्फ एक्सेल दे दीजिए. अच्छा, आप सर्फ उतना ही दीजिएगा जितना आप जैसे एक बकेट में कपड़े लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग जितना सर्फ चाहिए, लाइक दैट आप वो उतना ही दीजिएगा. और अगर आप पता चलता है कि कपड़े कुछ ऐसे दिए जैसे पर्दे या बेडशीट वगैरह बहुत गंदा है, तो वो क्या कीजिएगा, ये प्री वॉश है. प्री वॉश मीन्स कि वो पहले इसमें कुछ सर्फ रहता है, वो पहले उससे धो देता है, उसको धोने के बाद फिर ये सर्फ लेता है, तो इसमें डाल दीजिएगा वो सर्फ. ये है लिक्विड देने का. लिक्विड जैसे आप वूल धो रहे हैं, तो आप वूल तो सर्फ से नहीं धोएंगे, आप वो इजी वगैरह से धोते हैं, तो कोई भी लिक्विड डिटर्जेंट वगैरह सब इसमें जाता है. या आफ्टर वॉशिंग आपको रिवाइव या ब्लू देते हैं, वो भी इसमें जाएगा. तो ये सारी चीजें इसमें जाती है. अब आप इसे बंद कर दीजिए. बंद कर दिया, उसके बाद से आपको अब ये खोलना है. ये खोले इस तरह. ये कैपेसिटी के अनुसार कपड़े धोता है. जैसे मेरे ये 6 kg का है, तो मेरे जितने कैपेसिटी है उतना ही मुझे कपड़े देने होंगे. अगर मैं ज्यादा कपड़े दे दूंगी तो वो धो नहीं सकेगा. किसी का अगर मान लीजिए 7 kg है, 8 kg है, उसके ज्यादा धोता है, तो ज्यादा दीजिए. अब मैं क्या करूंगी, ये सारे कपड़े उसमें पूरा घुसा दूंगी, देखूंगी कि हाँ ये हो रहा है. अच्छा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब ये आप धोइएगा तब आप इसमें बटन वगैरह का ख्याल रखिएगा. अगर कोई भी चीज जैसे बटन है वो जीन्स वगैरह के चेन लगा दीजिएगा, बटन वगैरह कोई चीज का निकला हुआ है तो इसमें अटके ना, इसमें उसको बंद करके और आप उसको उलट देना ही बेहतर होगा. जैसे अब ये है, मैं ये वाली चीज है, ये खुला रहने से थोड़ा इधर हुक वगैरह पहन के रहते हैं वो, तो आप बेटर यू जिप आउट एंड ये बंद कर दीजिए. और इस तरह आप कपड़े सब धोने को ये डाल दीजिए. फिर उसके बाद से ये बंद हो गया. अब मैं क्या करूंगी, मेरा इधर काम खत्म हो गया. अब मैं ये मेन स्विच है, इस मेन स्विच में मैं ऐसा दे दी, वो अपना काम शुरू कर दिया. देखिए, अब पानी भरना शुरू हो जाएगा, उसके बाद से ये धोएगा. अब इसको धोने में 64 मिनट्स लगेंगे. इस 64 मिनट्स में मैं अपना कुछ भी काम कर सकती हूँ. उसके बाद मैं लास्ट जब ये हो जाएगा तो निकालते वक्त मैं आपको दिखाऊंगी. आप लोग देख रहे हैं ये धोना खत्म हो गया, और इधर जो लाइट जल रहा था वो भी बंद हो गया. जब ये अपना काम खत्म कर लेता है तो एक सिटी बजती है, वो बताता है कि मेरा काम खत्म हो गया, अब आओ निकाल लो. तो जस्ट अब मैं निकाल रही हूँ. देखिए किस तरह का वॉश करने के बाद दिखाई देगा, किस तरह ये देखिए.
ऑलमोस्ट इट इज ड्राइड। ये देख रहे हैं अब आपको, और ऐसा नहीं है कि जैसे ही बंद हुआ आपको निकालना है। मैं बंद हो गया था, इसके बाद खाना खाई हूँ, काफी देर बाद अभी निकाल रही हूँ, और पानी नहीं है बिल्कुल भी, सूखा सूखा सा है। बस आप इस तरह ऐसे निकाल लीजिए, और इसे आप चाहे तो धूप में थोड़ा डालिए, और नहीं तो हवा में भी डाल देंगे तो सूख जाएगा। देखिए हाउ फ्रेंडली दिस मशीन इज। ओके।